अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा पहला सब्जेक्ट है एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, उसके कोर्स कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कल से जो हमारी फर्स्ट आउटलाइन है उसके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो हम सेकंड सेमेस्टर के अंदर एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर जो कंटेंट्स कवर करेंगे वो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। कोर्स का जो टाइटल है वो एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। कोर्स का जो कोड है वो कंप्यूटर 3114 है और जो क्रेडिट आर्स हैं वो 3 2+1, इट मीन्स का प्रैक्टिकली वर्क भी होगा। तो इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहले जावा एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, उसमें सबसे पहले नंबर पे हम अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की बात करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के ऊपर काम हम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कर चुके हुए हैं। हम इंटरफेसेस के ऊपर काम करेंगे, पैकेजेस। एक आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पैकेज जो यूटिलिटीज़ का पैकेज था वो बार बार इंपोर्ट किया। एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो एरर्स हैं, एडवांस इश्यूज ऑफ जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड इवेंट हैंडलिंग। इनफैक्ट आप लोग विजुअल बेसिक पढ़ चुके हुए, वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जब कोई इवेंट होता है तो उसके बदले में रिस्पॉन्स होता है और हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। तो वो इवेंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है हम इसके बारे में भी देखेंगे। एप्लेट्स को डिस्कस करेंगे और स्विंग्स, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अट्रैक्टिव, अगर आप लोगों ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने हैं तो स्विंग के पैकेज को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें नेटवर्क प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। ये नेटवर्क प्रोग्रामिंग है जिसमें हम JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करेंगे। मल्टी थ्रेडिंग, सिंगल थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल हम डिज़ाइन करेंगे और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे एक क्लाइंट सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। और RMI रिमोट मेथड इन्वोकेशन, कि अगर आप एक कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं तो वर्चुअली आप एक मेथड को इन्वोक करेंगे जो किसी दूसरी मशीन के ऊपर इन्वोक होगा, तो इस टेक्निक को भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड आउटलाइन के अंदर हम एप्लेट्स और नेटवर्क प्रोग्रामिंग के अंदर जावा सिक्योर सॉकेट्स की बात करेंगे। इनफैक्ट आजकल जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन होती है, आप ATM पे अपने कार्ड को इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वो सारी सिक्योर सॉकेट्स को इस्तेमाल करके करते हैं, क्योंकि सिक्योर सॉकेट्स के अंदर जो मिडल मैन होते हैं वो अटैकर जो होते हैं, जो हैकर होते हैं, वो सिक्योर सॉकेट्स के अंदर डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए आजकल सिक्योर सॉकेट लेयर्स के ऊपर काम किया जा रहा है। और जो हमारी लास्ट आउटलाइन होगी इसमें हम HTTPs की बात करेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। नॉर्मली आप लोगों ने HTTP की बात की होगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो आपके कंटेंट्स को एक मशीन से दूसरी मशीन में ट्रांसफ़र करता है। और अब हम बात करेंगे HTTPS सिक्योर, इसमें हम TCP/IP को इस्तेमाल करते हुए और टेलनेट को इस्तेमाल करते हुए हम अपने क्लाइंट सर्वर की बात करेंगे। तो ये तो थी जो हमने कोर्स के अंदर कंटेंट्स को कवर करना। इसके अलावा जो हमारी रिकमेंडेड बुक है वो हम जावा 2 द कंप्लीट रेफरेंस, ये हम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी इसी को एज अ रेफरेंस यूज़ कर चुके हुए, और मैं आप लोगों को रेफरेंस मटीरियल भी गूगल क्लासरूम के अंदर अपलोड कर दूंगा, जिसको हमने यूज़ करना है अपने इस कोर्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल से हम
इसकी फर्स्ट आउटलाइन का पहला टॉपिक अब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनका भी एक शेड्यूल बहुत जल्दी जो है वो जारी कर दिया जाएगा, जैसे यूनिवर्सिटी से कोई टाइम टेबल आता है आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। जब तक कल एक नई वीडियो अपलोड करूँगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।